तो यहाँ पे मुझे ये टॉ क्रैक का इंडिकेशन मिल रहा है। आप देख सकते हैं क्रैक का इंडिकेशन जो होता है ना, उसमें एक से ज़्यादा इको होते हैं और सभी का पीक जो है ना वो अदल बदल होता रहता है। मतलब पहले एक इको का पीक ज़्यादा होगा, उसके बाद दूसरे इको का। जैसे जैसे मैं प्रोब इधर उधर ले जाऊँगा, वैसे देखिएगा, जैसे मैं राइट साइड प्रोब ले जाऊँगा, लेफ्ट साइड ले जाऊँगा, इको जो है ना वो एक इको कम होगा, एक इको ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका पीक जो है ना वो चेंज होता रहता है। इस तरह से टॉ क्रैक का इंडिकेशन मिलता है। उसके अलावा कैसे पता चलेगा ये टॉ क्रैक है? तो ऊपर डेफ्थ आप देख सकते हैं, डेफ्थ जो है वो 0.5 mm है और मुझे सेकंड लेग में ये इंडिकेशन मिल रहा है, ठीक है। 12 mm का ये प्लेट का थिकनेस है और सेकंड लेग में इंडिकेशन मिल रहा है, मतलब यहाँ से इंडिकेशन मुझे मिल रहा है, ये मैंने मार्किंग किया है। तो ये हमारा टॉ क्रैक का इंडिकेशन है।